सो है गाइज, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप हेलो ब्लर एंड ब्लैक इफेक्ट वाली वीडियो कैसे बना सकते हो कैपकट ऐप से। तो गाइज, आप भी हेलो ब्लर एंड ब्लैक इफेक्ट वाली वीडियो एडिट करना चाहते हो तो गाइज वीडियो को पूरा देखना। और गाइज, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइज चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर हिट जरूर से कर लेना, ताकि हमारे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सो गाइज, बढ़ते हैं अपनी वीडियो एडिटिंग की तरफ। तो गाइज, आप जिस भी वीडियो में हेलो ब्लर एंड ब्लैक इफेक्ट अप्लाई करना चाहते हो उसको गाइज उस वीडियो को गाइज आपको कैपकट ऐप में इंपोर्ट कर लेना है। सो गाइज, वीडियो में हेलो ब्लर और ब्लैक इफेक्ट अप्लाई करने के लिए अब गाइज आपको करना क्या है, तो अब गाइज आपको सिंपल, सबसे पहले तो गाइज इसमें ब्लैक इफेक्ट को ऐड करना है। तो गाइज उसके लिए आपको इफेक्ट पर टैप करना है, वीडियो इफेक्ट पर जाना है और गाइज उसके बाद आपको इधर इसमें एक ऑप्शन मिलेगा कॉमिक वाला, तो गाइज इस पर आपको टैप करना है और गाइज इसमें आपको इधर नीचे आ जाना है लास्ट में, और गाइज ये बी एंड डब्ल्यू स्केच वाला ऑप्शन को इस पर टैप करना है और गाइज इसमें आपको इसको अप्लाई कर देना है। उसके बाद में गाइज आपको इस पर टैप करना है जो आपने ये इफेक्ट लगाया है, और उसके बाद में गाइज आपको इसको वीडियो को बराबर में कर लेना है। उसके बाद में गाइज आपको यहाँ से बैक करना है और गाइज फिर से आपको वीडियो इफेक्ट पर जाना है। उसके बाद अब गाइज आप करना क्या है, अब गाइज आपको इसमें बेसिक पर टैप करना है और गाइज इसमें आपको चौथे नंबर पर ये ब्लर का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर आपको टैप करना है और गाइज इसको अब यहाँ से आपको डन कर देना है और गाइज इसको भी आपको वीडियो को बराबर कर लेना है। देन उसके बाद अब गाइज आपको करना क्या है, अब गाइज आपको यहाँ से इसको एक्सपोर्ट कर लेना है। तो गाइज जब तक वीडियो एक्सपोर्ट हो रही है तब तक गाइज वीडियो को लाइक कर दीजिए। उसके बाद गाइज आपको फिर से प्रोजेक्ट को ओपन करना है और गाइज आपको इफेक्ट पर फिर से टैप करना है और गाइज इसमें आपको जो ये आपने ये स्केच वाला जो लगाया था इसमें, इस वाले पर टैप करना है और गाइज आपको यहाँ पर रिप्लेस का ऑप्शन दिखाई देगा, तो गाइज आपको यहाँ से रिप्लेस इफेक्ट पर टैप करना है और गाइज उसके बाद में गाइज आपको इस कॉमिक वाले ऑप्शन पर ही आ करके और गाइज इसमें यह आपको लास्ट में दिखाई देगा न्यून वाला, इस पर आपको टैप करना है और गाइज इस पर आपको डन कर देना है। तो गाइज इस तरीके से इसको यहाँ से आपको फिर से इसको गाइज आपको यहाँ से एक्सपोर्ट कर लेना है। तो गाइज आपको ये वीडियो कैसी लग रही है गाइज कमेंट करके ज़रूर बताना। उसके बाद गाइज अब आपको करना क्या है, अब आपको फिर से अपने प्रोजेक्ट को ओपन करना है और गाइज आपको फिर से इफेक्ट पर टैप करना है और गाइज इनको आपको यहां से डिलीट कर देना है और उसके बाद में गाइज आपको फर्स्ट में आ जाना है, यहां से बैक कर लेना है आपको और गाइज यहां से आपको ओवरले वाला ऑप्शन पर टैप करना है, ऐड ओवरले पर जाना है और गाइज आपको ने जो ये सब पहले वाइट वाला जो किया था स्केच, इस पर आपको टैप करके इसको आपको यहाँ से ऐड कर लेना है और गाइज इसको कुछ इस दो उंगली पर मदद से और गाइज इसको आपको फुल स्क्रीन कर लेना है, इसको गाइज आपको सही से करना है जो बराबर हो इसके, ठीक है। उसके बाद अब गाइज आपको करना क्या है, तो अब गाइज आपको इसमें इस स्प्लाइस का ऑप्शन दिखाई देगा, इस स्प्लाइस का, इस पर आपको टैप करना है और गाइज इसमें आपको इधर आना है और गाइज इसमें आपको एक कलर बर्न वाला ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर आपको टैप कर देना है, देन यहां से आपको इसको डन कर देना है। उसके बाद में अब गाइज आपको करना क्या है, अब गाइज आपको फिर से बैक करना है और गाइज फर्स्ट में आकर के एड ओवरले पर जा करके और गाइज अब आपको ये नियॉन वाला जो आपने वीडियो एक्सपोर्ट किया था इसको ऐड करना है, तो इसको भी ऐड कर लेना है और उसके बाद में गाइज इसको भी आपको वीडियो के इक्वल कर लेना है दोनों उंगली की मदद से जिस तरीके से। और उसके बाद में गाइज अब आपको करना क्या है, अब गाइज आपको फिर से स्प्लाइस वाले ऑप्शन पर टैप करना है और गाइज इसमें इस बार आपको करना क्या है, इसमें गाइज आपको ये हार्ड वाला ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर आपको टैप कर देना है, तो गाइज कुछ इस तरीके से आपकी ये बनकर तैयार हो जाएगी। अब गाइज आपको ये देख लेना है, यहाँ से आप इसको एडजस्ट भी कर सकते हो, आपको जितना ब्लैक रखना है उतना आप यहां से इसको ब्लैक रख सकते हो, ठीक है। तो मैं गाइज इतना कर लेता हूं इसको, देन यहां से आप कर देना इसको डन। अब गाइज इसमें आपको करना क्या है, अब गाइज आपको फिर से इफेक्ट पर टैप करना है और गाइज वीडियो इफेक्ट पर जाना है, अब गाइज आपको इसमें हेलो ब्लर वाला इफेक्ट को अप्लाई करना है, तो गाइज आपको बेसिक पर टैप करना है और गाइज इसमें आपको ये दूसरे नंबर पर हेलो ब्लर वाला ऑप्शन दिखाई दे जाएगा, इस पर आपको टैप करना है और गाइज इसकी एडजस्टमेंट पर जा करके और गाइज इसको आपको फुल कर देना है, इसकी जितने भी आपको रखना है उस हिसाब से आपको फुल कर लेना है, देन यहाँ से आपको ओके कर देना है और गाइज जितनी भी वीडियो में आपको रखना है उतने आपको यहाँ से कर लेना है, देन यहाँ से आपको गाइज बैक हो जाना है और गाइज यहाँ से आपको फिर अपनी वीडियो को यहाँ से एक्सपोर्ट कर लेना है। सो गाइज आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।